हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रीत्स गार्डन। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे गुड़हल के प्लांट में आज कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्लांट में इतनी सारी फ्लावरिंग होती है। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट्स में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही रिज़ल्ट है जो मेरा प्लांट इतने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और ये प्लांट तो फ्रेंड्स वैसे भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, थ्रू आउट द ईयर ब्लूमिंग करता ही रहता है, और आप कटिंग से इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अभी बेस्ट टाइम चल रहा है कटिंग्स ग्रो करने के लिए, तो आप इसको अभी कटिंग से लगा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम गुड़हल प्लांट के केयर के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे आप अपने इस प्लांट की केयर करें जिससे इसमें अच्छे से ब्लूमिंग ले सके, हमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी प्लांट को लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। और गुड़हल क्या, चाहे कोई भी प्लांट हो फ्रेंड्स, हमें बहुत वेल रिच सॉयल देनी चाहिए अपने प्लांट को, जिससे प्लांट की स्टार्टिंग से ही अच्छी ग्रोथ हो। तो गुड़हल की मिट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप 50% गार्डन सॉयल ले लीजिए, उसमें 30% कंपोस्ट ऐड कर लीजिए और 20% आप रेत ऐड कर लीजिए। रेत की क्वांटिटी आप अपने गार्डन की जो सॉयल है फ्रेंड्स, उसकी जो कंडीशन है वो कम चिकनी है या ज़्यादा चिकनी है, उसके अलावा आप रेत की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के लिए वेल रिच और वेल ड्रेन सॉयल बनाइए, जिससे उसमें पानी ना रुके और प्लांट की अच्छे से ग्रोथ भी हो। मिट्टी के बाद फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जो गुड़हल का प्लांट होता है वो बहुत हैवी फीडर प्लांट होता है, और ये अच्छे से ब्लूम तभी करता है जब हम इसको रेगुलर अच्छा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो जो गुड़हल का प्लांट होता है फ्रेंड्स, उसको नाइट्रोजन और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद होता है। तो इसको आप बदल बदल का फर्टिलाइज़र दीजिए। जैसे आप इसको सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है, कंपोस्ट ही, आप वो दे सकते हैं। उसके 10 से 15 दिन के बाद आप इसको बनाना पिल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो पोटेशियम रिच होता है। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप पोटेशियम के लिए इसको आप पोटैटो पिल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और पोटैटो पिल्स में तो वैसे भी बनाना पिल फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा पोटेशियम होता है, तो वो तो इसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। और इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा फ्रेंड्स, अगर बारिश का सीज़न नहीं है तो आप इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बारिश के सीज़न में थोड़ा सा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फंगस लग जाती है, और अगर आपके प्लांट्स प्लास्टिक के गमलों में लगे हैं तो फंगस का और भी ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसको थोड़ा सा बारिश के सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसमें सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। आप हर 15 डेज़ में अपने प्लांट पर सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कीजिए, जिससे उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी प्लांट की पूरी हो जाएगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, गुड़हल में अच्छे ब्लूमिंग के लिए आपको अपने प्लांट का एसिडिक लेवल भी मेंटेन रखना पड़ेगा। और क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट होता है उसको एसिडिक सॉयल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और इसका एसिडिक सॉयल लेवल मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स, आप या तो इसमें यूज्ड चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कॉफ़ी के पाउच होते हैं 2-2 रुपये वाले, आप उसका यूज़ करके इसके प्लांट की सॉयल को एसिडिक बना सकते हैं। और जब आपके प्लांट का एसिडिक से सॉयल का लेवल मेंटेन होता है, तब आपका प्लांट फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके अलावा फ्रेंड, जो गुड़हल का प्लांट होता है उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, चाहे वो देसी गुड़हल हो या फिर हाइब्रिड गुड़हल हो, उसके पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं फ्रेंड्स। और पत्तियाँ पीली होने के 2 रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो उसमें ओवरवाटरिंग हो सकती है, या फिर उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। और अगर आपके प्लांट में ओवरवाटरिंग नहीं हो रही है तो ये न्यूट्रिशन की कमी से होता है। उसके लिए फ्रेंड्स, आप इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिक्स करके हर 15 डेज़ में आप अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, और आपको एप्सम सॉल्ट का डबल बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब आप अपने प्लांट पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं तो उससे प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपका प्लांट बहुत अच्छे से अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, और जो बाकी सारे फर्टिलाइज़र होते हैं उनको भी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाता है, तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होती है।
और दूसरा जब आप अपने प्लांट पर एप्सम सोल्ट का यूज़ करते हैं, जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है कई बार हिबिस्कस के प्लांट में, पेस्ट अटैक की वजह से नहीं होती, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकती है। तो जब आप अपने प्लांट पर एप्सम सोल्ट का स्प्रे करते हैं तो एक हद तक आपके जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। तो आपको हर 15 डेज़ में इस पर एप्सम सोल्ट का यूज़ करना ही चाहिए, जिससे आपके प्लांट की येलो लीव्स और लीफ कर्ल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इस पर होने वाले पेस्ट अटैक की। तो पेस्ट अटैक इस पर बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। इस पर या तो मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर ब्लैक एफिड्स का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। जब भी इस पर कलियाँ बनती है तो इस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़ों का अटैक हो जाता है, जिनको ब्लैक एफिड्स बोलते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप अपने प्लांट पर हर 15 डेज़ में अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, जिससे वो पेस्ट अटैक ठीक हो जाएगा। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप घर पर ही लहसुन और हरी मिर्च का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, उसको 15 डेज़ में स्प्रे कीजिए, तो भी आपका प्लांट का पेस्ट अटैक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऑर्गेनिक जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्टिसाइड बनता है फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं सनलाइट के बारे में। तो सनलाइट इस प्लांट को बहुत पसंद होती है फ्रेंड्स, आप इसको फुल डे सनलाइट में रखिए। बट अगर आपका प्लांट ज़्यादा तेज़ धूप में रखा हुआ है तो उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी मुरझाई मुरझाई सी हो जाएंगी, इसलिए आप अपने प्लांट पर दिन में 2 से 3 बार पानी का स्प्रे कीजिए, तो आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा, उस पर धूप का असर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की केयर करते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से बढ़िया फ्लावरिंग करेगा फ्रेंड्स। और मेरे पास अभी गुड़हल के 3 कलर हैं फ्रेंड्स, रेड रेड और पिंक और वाइट कलर है मेरे पास अभी। और गुड़हल के देसी गुड़हल में और भी कलर्स आते हैं, वो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी अपने गार्डन के लिए, क्योंकि मुझे गुड़हल के प्लांट और फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। तो और भी प्लांट्स लेकर आऊँगी मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में बढ़िया सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।